ला जी, सलवार आपदा ने सी ली है और बहुत प्यारी सिल गई है। पोंचे भी इस तरह के बना लेने, बिल्कुल सही है, आजकल यही रवाज चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आने वाले दुख तकलीफ तो निजात से दुआ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करने पर छोटी जी अर्ज करते हैं, जो मेरे फैमिली सर नवे जिन्हें सुना सा आज का फैमिली ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भैन भरावों को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो जी बहुत दिलचस्प है, मेरी वीडियो बहुत खास आ, मेरे भैन भरावों ने मेरे नाल रहना वा ताकि असं इन्नी मेहनत नाल इन्नी दिलचस्पी नाल अपनी मतलब के वीडियो बनाने हैं कि साढ़े भैन भरा सानू देखन, सानू अच्छे अच्छे कमेंट करन, सानू अपने कमेंटों में याद रखन, तो अपने दुआओं में भी सानू याद रखन। जारी गल जो कमेंट करते हैं साढ़े भैन भरा तो साढ़े मतलब दिल देख के खुश होंगे वा, तो साढ़े भैन भरावों की सपोर्ट में साड़ा दिल इस तरह खुश हों कि सानू पता चल जाता जो कमेंट आता कि साढ़े भैन भरावों की सपोर्ट साढ़े नाल आ, साढ़े भैन भरा साढ़े नाल ने। अल्लाह पाक मेरे भैन भरावों को तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, सानू जो साढ़े भैन भरा देखने वाले ने अल्लाह मियां सब नू कोल आलम ते ठंड पावे, कोल आलम तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे। जो जी अज्ज दा ब्लॉग होएगा असीं अपने भैन भरावों दे नाल लाजमी शेयर करांगे इंशा अल्लाह, जिंदगी बगैर अज जी जिहड़ा ब्लॉग आ कुछ इस तरह मैं कुछ तो मैं मतलब कि कपड़े सिलाई कर रही सी, हुण आ गई मेरी भैन आपदा दी वारी, आपदा कहिंदी आ कि बाजी तुसीं रहिण दो, हुण मैं मतलब कि कपड़े सिलाई करदी आं, इह मैं अपने भैन भरावों नू दिखांदी आं। वालेकुम सलाम, देखो जी इहदा मसला बनिया वा, तो इस करके मतलब कि जिहड़ा कपड़े सिलाई नहीं ने कर सकते, तो इस करके फिर मैं क्या भी मैं की सिलाइयां भरनिया वा, तो मैं सिलाई तो मतलब कि जान जान के मारे कि सिलाई नहीं भरते, तो मैं मतलब घर बैठ के खुद ही कपड़े सिलाई कर रही थी, कहीं बाजी तू थक गई है तो तू जरा ना रेस्ट मार, रह गई सलवार, सलवार मैं खुद सिलाई कर दी, तो मैं थोड़ा बैक कैमरा करके दिखाई अपने भैन भरावों सूट की कटिंग तो मेरे दी हुई सी, फिर निधा फातमा ने यह पसंद आ गया, फिर यह निधा फातमा दोबारा तो कटिंग करके असं छोटा करके दिता, मैं बैक कैमरा करके अपने भैन भरावों को दिखाई। माशाला आपदा ने अज जरा वाहवा ही मेरे हिम्मत भरवाती है जी, अच्छा अल्लाह सोना तेन तंदुरुस्ती दूगा, सेहत दूगा, सारे मेरे भैन भरा मेरी भैन वास्ते दुआ करना, मजीद जरा एक दफा खोलना बैक साइड तो भी दिखाना जरा, देखो जी मेरे भैन भरावों ने मैंने कमेंट में जरूर दसना कि सिलाई कैसी हुई है, मैं थोड़ी जिनी ना मतलब कि यह कैमरे में लग रही है, कैमरे में लग रही है कि कमीज़ बहुत मतलब खुली खुली है, लेकिन मजीद इन्नी खुली खुली नहीं हैगी कमीज़, क्योंकि मैं अपने हिसाब ने ही बनाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं, बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं हैगी, हाँ निधा फातमा ने ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पाती है, हाँ नहीं नहीं बस सही है बहुत माशाल्लाह जी। हाँ इंशाल्लाह ताला हूँ जी मैं आपदा वास्ते जरा निधा ने कहा चाय बनवा लिया, बना लिया देख के आनी हाँ, निधा ने चाय बनाई या नहीं बनाई है, तबीयत अब बहुत ज़्यादा खराब, नाल बीपी भी लो होया सी, नाल आंडा भी बॉयल कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जैन बेटा, अच्छे सुता पिया वा, तो देखो नीचे फर्श नज़र आ रहा, माशाल्लाह बहुत प्यारा फर्श लग गया वा, रगड़ाई भी करके गेट वाली साइड आ, गेट गंदा होया पिया वा, लेकिन करना वा मजीद मतलब कि आन के तो रंग वाले रंग भी करे, सफाई वगैरह भी करे, तो अल्लाह ख्याल करूगा ऐसा ऐसा काम जो सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर बैठ के अपने भैन भरावों ने एक प्रोपर तरीके ना वीडियो बना बना के तो अपने भैन भरावों ने शेयर करा कि इस घर में अस किस तरह के बैठे हैं। भाई निदा किन्ने बर्तन अभी तकरीबन साढ़े को बदल भी है ना, तो बहुत ज्यादा बदल आ, रात भी बारिश हुई, मतलब खाना तो बनाया नहीं था, यही तो चस्का तो लगाया था, ये ज्यादा बर्तन हो गए। अच्छा चस्का की चीज लगाया से भी जरा अपने भाई भरावों में शेयर कर लेना, मैं आया था नूडल्स पहले, वो कह था वीडियो बना लो, मम्मा कहती नहीं मैं वीडियो की सोच ही बनाऊंगी कि मैं सोच रही था वीडियो का, तो फिर इसलिए मैंने तो मैं चक्कर से बना लेंगे वीडियो, फिर ना जब मैं नूडल्स बना लेंगे चला कम भूल के तो से वीडियो नहीं बनाई। नहीं वो पता की होया वा मैं भूल किस तरह गए कि लाई नूर फातमा ने भुखी तो बहुत ज्यादा लगी हुई से ना, नूर फातमा रोज ही है, हाँ
हाँ मसाला तो इन्हें तेज पाता थी, मसाला नहीं बहुत इन्ना पाई था। चलो फिर नाल नाल कर लो बर्तन ही कवर करो। चाय बनाई या नहीं बनाई? बना ली है। आ जाए दिया मम्मी दी ना बीपी थोड़ा जो लोग वो तो पानी तो बिल्कुल कम है, पानी से थोड़ा ज्यादा पानी पानी अभी खुशबू है। तो चाय वाले देश की बच्चे अंडा रख दिता। लो जी ये चाय भी साड़ी तैयार हो गई है माशाल्लाह। तो चाय वाले देश की अंडा क्यों रखिया? तू लालच कर लिया एक बार तो वाह नीता फातिमा वो नीचे से माचिस उठाओ गिटीना वाले नीता फातिमा ने काम चेक करो। चाय वाली धोने तो वाली देश की दे अंडा बॉयल करी। ये जी साड़ा किचन है, साड़ा किचन बहुत अच्छे तरीके तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बन गया वा। लेकिन मजीद सफाई जो करा तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मैं नाल सफाई मेरी तो लगी रही माशाल्लाह। तो लेकिन ये असं खाना खाधा सीगा वो वाले बर्तन ने वो बर्तन जोड़े आनी तो फातिमा धोएगी। ये जी कपड़े चकन दे की करन दे बेटे कपड़े उठा रही हो? चलो जी उठा लो जी, मेहरबानी शुक्रिया। सलाम भी बुला लो। ये कौन कौन सफाई कर रहा है तो नीचे वाली हिस्से दी? नूर और लीजा फातिमा दोनों सफाई कर रही वा, तो इस करके फिर जो लीजा फातिमा वा ये फटाफट कपड़े उठा रही है। ठीक है ना, नूर इन्ना मज़ा आ रहा फर्श से कपड़ा फेरन का। इधर देखो जी माशाल्लाह मेरी शहजादी सदके जाओ। वालेकुम सलाम मेरा शून शलखिया। अच्छा मैं इन्हू मना कर दी हाँ कि तू ना कर नूर, इनू इन्ना सुकून आता ना। कहती आंटी आंटी कहती बहुत मज़ा आता वा, कहती जो नीचे मैं कपड़ा लगानी हाँ मैनू बहुत अच्छा लगता वा। देखिए खुद भी खुद ही माशाल्लाह लगियां पी दोनों भैन। इतों जो भी हाल कमरे की सफाई कर लिया निकी जिनी हैगी। अच्छा रहन दे तो आप वैपर फेर लाँगे है, कोई मसला नहीं है। फेरिया सीगा सदके जाओ लै बी। चलो उठा लो फिर कपड़े, कपड़े उठान दे नूर फातिमा लीजा फातिमा। नूर फातिमा झाड़ू फेर रही है। अल्ला जी सलवार आपदा ने सी रही है और बहुत प्यारी सिल गई है। पहुंचे भी इस तरह के बना लेने बिल्कुल सही है, अजकल यही रवाज चल रहा। चला जी दो कप चाय दे और एक अंडा आ गया आपदा वास्ते। आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है अज, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब आ, तो इस करके फिर नाल एक अंडा बॉयल करके और नाल निदा फातिमा ने हल्की पत्ती पा के चाय बना के दी है। तो हूँ मैं भी चाय पीनी हाँ, आपदा भी चाय पीती है। लगता पीला चाय पीला जी हो गई, सलवार भी तैयार हो गई है, सिलाई कर। चलो सही तो चाय पी लो, ठीक हो गया। अंडा भी ले लो दूर तो लगवानी है, बारिश पई हुई है तो घर जो बालन गिला हो गया वा। नहीं तो पकानी तो छत ते सी, तो मैं चलो ठीक है मैं आटा गुंद मानी इन्होंने जैन तंदूर तो रोटी लगा के लिया। माशाल्लाह जी आटा मैं गुन लिया वा, तो आटा गुन के हटी हाँ। तो निदा फातिमा ने मैंने कद्दू शरीफ लिया ने, कहती मम्मा कद्दू करके दो। जैन लै साबन लिया पकड़ा वो साबन है नहीं सी बर्तन धोने वाला, तो बर्तन धोने वाला साबन लैके आया जैन 20 रुपये की चक्की, 4 चक्कियां साबन दियाँ। किन्नी दे आई हैं? चलो ठीक है लैके चुके एक चक्की बर्तन धोने वाला साबन लगा ला, 3 बाल्टी रख दे ठीक है ना। बल्कि बाल्टी मैनू लिया दे, यदा ढक्कन लिया के मैं आटे का ढक्कन आटे देव नाल ही मैं कद्दू जरा भी तैयार करा। कद्दू शरीफ अजय कद्दू शरीफ बड़ा स्पैशल करके बना रहे हैं जी। चला जी जो कद्दू से कद्दू शरीफ वो भी मामूली कंडा कर लिया और ओल एक प्याज भी छिल के रख लिया मैं। उन्हें मैं लैके जा रही हाँ किचन वाली तरफ, ले जाके इन्हें बॉयल करके फिर मैं रायता तैयार करती हूँ। तो अभी जी रेसिपी है रायते की बनेगी शाम की, बहुत ही मज़ेदार तो बहुत टेस्टी। तो मैं देखी बच्चे ऐड करके उबर उबर नहीं रख दी। माशाल्लाह जी कद्दू बिल्कुल रेडी हो गए ने, कद्दू मेरे उबल गए ने, मैं उतार दी उतार के उतार के ना इन्होंने थोड़ी बच्चे पा दी पानी कद्दू बोलते नहीं तो हाथ में कद्दू बोल।
माशाल्लाह से दही आ गया साडा ठीक हो गया। सब तो पहले कद्दू तैयार किया माशाल्लाह और कद्दू मैं मिक्स कर लेती हूँ वैसे भी किसान खा सकता वा वैसे भी खा सकता वा और रोटी के नाल भी खा सकता हूँ जिसे जो प्याज जारी कर ली है प्याज में पूरी कटा की और हूँ मैं ये टमाटर ये भी मूली कटा की ऐड कर दी हूँ जो सब्ज मिर्च आ गई इन्हें ऐड कर दी आसान जहा तरीका रोटी खाने का ना आसान जहा तरीका आसान तरीका और खाने से भी ना मजा आता है ना। हाँ जी हूँ जी मैं ये पावगी नमक एक चम्मच तो थोड़ा जहा और नारियल मैं पावगी काली मिर्च मेरा फोन आ रहा चेक करो शायद तेरे पापा का तो नहीं आ रहा काली मिर्च थोड़ी जी जरा जायका चेंज करवाने को सब्ज मिर्च हैगी ना काली मिर्च बहुत जरूरी है सीधा वगैरह मैं पाना नहीं गा क्यों फिर कद्दू ठंडा होता वा तो सीधा जरा भी बस घर बच्चे नहीं भी खाते कद्दू का रायता वैसे ही माशाल्लाह बहुत ठंडा वा तो कद्दू सौ बीमारियों वास्ते कद्दू शरीफ माशाल्लाह बेहतरीन है और जी मैं कद्दू का रायता तैयार कर लिया हम अभी बनावे रोटी रोटी बना के फिर मैं अपने बच्चों खाना खिलावगी जैन के बाबा आजम लैके गए हुए हॉस्पिटल अच्छे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब सी लमियाँ तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे कुछ टैसट टैसट भी सके टैसट होने वास्ते रिपोर्ट दी सी पता नहीं की बनया भी किस टाइम आदि हो जी माशाल्लाह इन्ना ही आसान तरीका मेरा कद्दू का रायता बिल्कुल तैयार हो गया कैसा बनया आपका मैंने बहुत प्यारा प्यारा बन गया ना चलो जी मेरे घर आ गए दो मेहमान सब तो पहले रायते इतने घर के घर नहीं है मैं सब तो पहले मेहमान वास्ते चाय बनाने क्योंकि पहले चाय बनाई सी आपका वास्ते अंडा बॉयल किया निका भात मैंने किया हूँ मैं खुद चाय बनानी है तो मेहमान अपने बनानी है लो जी माशाल्लाह चाय बना के भी पकड़ वास्ते तो मैं चाय बना सब तो पहले मेहमान दो कप पीले लिया ट्रे भी आ गई है और बच्चे भी काफ़ी शोर पा रहे हैं चाय उबला खान तो आई है एक कप फिका बनाना एक कप मीठा बनाना एक कप जी मैं चाय का निकाल लिया फिका और मैं चीनी पा ली एक ने मीठा पीना एक ने फिका पीना चीनी ऐड करानी फिर दोनों कप तैयार माशाल्लाह जी चाय तैयार हो गई है चाय मैं लेके आ गई मेहमानों में चाय पिलानी हूँ एक कप जो नमकीन है एक मीठा वा लो जी ब्लॉग तैयार कर रही सी ते विच ही मतलब बदल बहुत ज़्यादा आ गया तो इस करके जरा भी देखो जी बाहर नेर को लाइट चले गई है तो जैन के पापा भी आ गए फिर मैं नेरे में खाना रोटी बनाई है बना के रायता मैं पहले तैयार कर लिया रोटी बना के बच्चों खिला के तो हूँ मैं जरा भी बह गई सी मैं फर्क हो के मैं चलो काफ़ी मतलब कि नेरा वा तो असं जी अपने ब्लॉग का इतने एंड करते चाहवे इजाजत अपने भैन भरावान को तो मिलेंगे नैक्सट वीडियो अगर मेरे भैन भरे मेरा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में सू जरूर दस्यो सानू दे इजाजत रब सुनने वाले अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।